हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो आज ही आप अपस्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। अब आपके लिए रिकैप करते हुए तमाम ट्रेड्स जो हमारे जानकारों ने फ्रेश ऐड किए हैं अपने पोर्टफोलियो में। क्रिस सुब्रमण्यम ने एक जगह खाली रखी है, थॉमस कुक को कैरी किया, 75 का टारगेट, 63 का स्टॉप लॉस। लेकिन नया ट्रेड है पीएफसी, 132 का टारगेट और 121 दरअसल स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। अब देखिए रिटर्न्स, थॉमस कुक फ्लैट है, पीएफसी 0.20% के रिटर्न्स जोड़कर दे रहा है। अब आते हैं अगले पोर्टफोलियो पर और वो भी अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये देखिए मनीष शर्मा ने दो ट्रेड्स, नहीं तीन होने चाहिए यहाँ पे, तो अपोलो हॉस्पिटल भी जुड़ा, वो जुड़ा नहीं है। इस पोर्टफोलियो को रिविजिट करते हैं, एक ट्रेड रह गया है उसको जोड़िएगा डायरेक्टर साहब, फिर दिखाएंगे मनीष का पूरा पोर्टफोलियो। विकास सालोंके का पोर्टफोलियो तब तक देख लेते हैं। विकास के पोर्टफोलियो में देखिए M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्होंने कैरी किया, 142 का टारगेट, 165 स्टॉप लॉस। नेक्टर लाइफ नया ट्रेड, टारगेट है 45 का, स्टॉप लॉस 3770। इंडिया बुल्स रियल टारगेट 130, स्टॉप लॉस 110। रिटर्न्स देखिए M&M फाइनेंस का शॉर्ट ट्रेड 0.35% कमा कर दे रहा है, नेक्टर लाइफ 4% प्लस और इंडिया बुल्स रियल करीब करीब 1% कमा कर दे रहा है। मनीष का पोर्टफोलियो मैं आपको पढ़ के दे देती हूँ क्योंकि वो किसी कारण से हम दिखा नहीं पा रहे। अपोलो हॉस्पिटल इनके पोर्टफोलियो में है, 4000 का टारगेट, 3430 का स्टॉप लॉस। अजंता फार्मा इन्होंने नया जोड़ा, 2500 का टारगेट, 1980 स्टॉप लॉस। नवीन फ्लोरिन को कैरी किया। विकास सालों के 10% के रिटर्न्स पर, क्रिस सुब्रमण्यम 4% के रिटर्न्स पर, मनीष शर्मा 1% के रिटर्न्स पर। यह है फिलहाल आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1।